करोड़पतियों को रास्ता खोल दिया जाए। आपके लिए पैसा नहीं है, आपके लिए पैसा नहीं है। सरकार से आप कहते हैं हमको नौकरियां दे दो, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। आप कहते हो जो जो हमारे टीचर थे उनको नियमित कर दो, उनकी तनख्वाह बढ़ा दो, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। आप कहते हो हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए हमको सब्सिडी दे दो, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। अरे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो 9000 करोड़ रुपए विजय माल्या इस देश का लूट कर कैसे हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया, इसका हमको जवाब दो। हमारे लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं, नौजवानों के लिए पैसा नहीं, लेकिन 11500 करोड़ लूटने के लिए नीरव मोदी बैठा हुआ है, उसके लिए हमारा पैसा है, उसके लिए हमारा पैसा है। आपके लिए कहा गया, मैं पार्लियामेंट में सुन रहा था, मंत्री जी ने जवाब में कहा कि 40000 रुपए का लोन हमने इस देश के नौजवानों के लिए जारी कर दिया है। मैंने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी आपने 40000 का लोन नौजवानों को देके आप अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कितना 1,25,000 करोड़ का कर्जा है अडानी के ऊपर, 96,000 करोड़ का कर्जा है एसआर ग्रुप के ऊपर, 1,03,000 करोड़ का कर्जा है वीडियोकॉन ग्रुप के ऊपर, 45,000 करोड़ का कर्जा है जेपी ग्रुप के ऊपर, 75,000 करोड़ का कर्जा है, 8,55,000 करोड़ का कर्जा चंद उद्योगपतियों के पास पैसा है। ये पैसा लेकर आओ और छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को इनकी मांगों को पूरा करें। हम बात करके और अपनी बात को समाप्त करूंगा। उससे पहले सलीम भाई ने और बहुत सारे साथियों ने जेएनयू के प्रेसिडेंट से अभी यहाँ पर चिंता व्यक्त की जो विश्वविद्यालय में चल रहा है, इसको रोकने के लिए तो बाहर का बेटा नहीं आएगा। हम और आप पंचों से भले ही सांप्रदायिकता फैलाने वालों को गालियां देते रहे, नफरत फैलाने वालों को गालियां देते रहे, लेकिन उनकी नफरत फैलाने की नीति पर काम कौन करता है, जरा इसको जाकर रात में सोचना। उनकी नफरत फैलाने की नीति पे काम करता है छात्र, काम करता है नौजवान, इसलिए हम और आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर आपको जो भड़काना चाहते हैं आप ये कहना, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमको लड़ाएंगे कैसे। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो, ये हमारी राजनीति का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना, हम नेताओं की कितनी भी आलोचना कर दें लेकिन नौजवान भी इस देश का उनके बहकावे पर आकर कहीं एंटी रोमो